हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज हम बना रहे हैं काली वाल, तो इसे काली घेवड़ा भी बोलते हैं। आप क्या बोलते हो कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो मसालेदार चटपटी सी सूखी वाल बना रहे हैं हम, तो देख लेते हैं इसका तरीका। तो यहाँ मैंने एक कप काली वाल ली हूँ और इसे मैंने ओवरनाइट के लिए भीगने रख दिया था। तो इसे पहले अच्छे से वॉश कर ले और फिर ओवरनाइट के लिए भीगने रख दे। तो मैं इसे ढककर रख देती हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट डे। तो दूसरा दिन आ गया है और ये देखिए मैंने पानी इसका निकाल लिया है और इसे कुकर में डालकर इसमें एक गिलास पानी ऐड कर रही हूँ और थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। करीब आधा चम्मच के जितना नमक ऐड कर रही हूँ क्योंकि आगे हम डालने नहीं वाले, इसी में डालेंगे। और फिर मैं इसे दो सीटी लगा लेती हूँ। तो एक पैन चढ़ा दी हूँ तब तक और इसमें तेल ऐड कर रही हूँ। तेल हमें ज़्यादा ही ऐड करना है। और एक चम्मच मैं ज़ीरा डाल रही हूँ। ज़ीरा थोड़ा सा तड़कने दे, इसके बाद में हम कड़ी पत्ता डालेंगे। कड़ी पत्ते से हमारे वाल में अच्छा फ्लेवर आएगा। और ये कड़ी पत्ता भी तड़क गया तो हमें प्याज ऐड करना है। प्याज को मैंने देखे चॉपर में ऐड बारीक चॉप कर लिया था, तो दो बड़ी प्याज ली हूँ मैंने अच्छे से बारीक चॉप करके। तो मुँह में नहीं आने चाहिए इसलिए बारीक ही चॉप करें। तो यहाँ पर मैं इसे हल्का गोल्डन कलर आने दूँगी, तब तक हमें फ्राई कर लेना है। तब तक हमारे कुकर की भी सीटी लग रही है और ये देखिए हमारी प्याज भी अच्छे से गोल्डन कलर आ गया है। तो यहाँ पर मैं एक चम्मच ऐड कर रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे भी हमें हल्का गोल्डन कलर आने तक के या फिर कच्चापन दूर होने तक के हमें फ्राई करेंगे। तो ये देखिए अदरक लहसुन भी अच्छे से फ्राई हो चुका है। अभी हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ मैं ले रही हूँ आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच तीखी लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और आधा चम्मच मैं गरम मसाला ले रही हूँ और 1 टीस्पून मैं ले रही हूँ हल्दी पाउडर। ये सभी मसालों को हम इसमें भून लेंगे। तो मसाले जलने नहीं चाहिए क्योंकि तेल अच्छा गरम है हमारा, तो मसाले जलने नहीं चाहिए। इसके बाद फौरन ही हम ऐड करेंगे टमाटर। तो टमाटर को मैंने पहले ही चॉप करके रखी हूँ, तो बारीक चॉप करना है टमाटर को। तो दो बड़े टमाटर मैंने बारीक चॉप करके इसमें ऐड कर ली हूँ और इसे टमाटर को हमें तब तक पकाएंगे जब तक हमारे टमाटर अच्छी तरह से गल ना जाए। तो जल्दी गलने के लिए मैं थोड़ा सा नमक ऐड कर रही हूँ, करीब 2 पिंच के इतना नमक ऐड करेंगे क्योंकि हमारी वाल में भी नमक है, तो ज़्यादा नमक ऐड नहीं करेंगे हम। तो टमाटर में नमक डालने से क्या होगा, टमाटर हमारे जल्दी गल जाएंगे। तो टमाटर के साथ में नमक को अच्छे से घुल मिल जाए इतना टमाटर को पका लेंगे। तो तब तक देख लेते हैं हमारी वाल का क्या हाल चाल है। तो यहाँ पर देखे पूछ लेते हैं इसको कि देखिए वाल हमारी गली है कि नहीं, चेक कर लेते। तो यहाँ देखिए मैंने ना 2 सीटी के बाद मैं वाल को चेक कर लिया था, ये गली नहीं थी। तो फिर से 1 सीटी लगा ली हूँ और ये देखिए अभी अच्छे से गल चुकी है। तो यहाँ पर कुकर पे से निकाल ली हूँ और तब तक के हमारे टमाटर भी अच्छे से गल गए हैं। ये देखिए इतना बारीक होना चाहिए, मैश हो जाना चाहिए टमाटर हमारे। तो इसके इसमें ऐड कर लेते हम हमारी वाल। तो वाल का मैं पानी ऐड नहीं कर रही हूँ, पानी बाद में ऐड करेंगे, सिर्फ वाल ऐड करेंगे। और इसमें हमें मसालों में भून लेना चाहिए इसे। तो अच्छे से मसालों में हमें भून लेना है ताकि वाल में भी अच्छा टेस्ट आ जाए। भूनने से क्या होगा, हमारे वाल में भी अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। तो मैं 1 मिनट के लिए इसे भून लेती हूँ। तो 1 मिनट हो चुका है। अभी ये जो मैं पानी ऐड कर रही हूँ ना, तो ऊपर का पानी बिल्कुल नहीं है, जो वाल का बचा हुआ पानी है कुकर में वही ऐड कर रही हूँ क्योंकि इसमें नमक भी है। तो नमक हम और नहीं डालेंगे, इसमें का ही पानी हम ऐड करेंगे। और पूरे पानी को हमें सुखाना है क्योंकि हम ड्राई बना रहे हैं। आपको थोड़ी सी ग्रेवी चाहिए तो आप थोड़ी देर पका कर इसे बंद कर लें। तो मुझे ड्राई चाहिए तो मैं थोड़ा सा धनिया ऐड करके इसे हिला लूँगी एक बार और इसे 1 मिनट ढक कर इसे पका लूँगी। तो चेक कर लेते हैं
तो यहाँ देखिए पानी पूरा सूख गया है और ये देखिए बिल्कुल ड्राई हो चुकी है बाल। तो बस हमें गैस को बंद कर लेना है, एक बार मिक्स कर लेंगे और गैस को ऑफ करके हम सर्व कर लेते हैं। तो ये लीजिए मसालेदार एकदम चटपटी सी वाल हमारी बिल्कुल रेडी है। आपको इसकी रेसिपी कैसी लगी, पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। और इसे हम खा सकते हैं रोटी चपाती के साथ और मेरी तरह आप चम्मच से भी ट्राई कर ले, इसे भी अच्छा ही लगेगा। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।